वेलकम टू सजीर बाइक गुरु में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज का जो वीडियो का टॉपिक है मेरे पास आया है हीरो कंपनी का सीबीजेट एक्सट्रीम और इस बाइक का इग्निशन लाइन ख़राब हो गया है। पता नहीं क्यों ख़राब हो गया है। इसमें हम लोग का की दिखा रहा है यानी कि चाबी का चिन्ह दिखा रहा है। तो इस बाइक में दिया गया है सेंसर। अगर कोई भी बाइक का अगर हम लोग इग्निशन स्विच पर चाबी का स्विच भरे चाबी भरे की भरे तो हम लोग का यानी कि सिग्नल देगा और हम लोग को बताएगा कि इस बाइक का जो चाबी है मैचिंग नहीं खड़ा है। तो एक्चुअली उस वजह से हम लोगों का बाइक में जो करंट नहीं आ रहा है। तो आज हम लोग करने वाले क्या इस बाइक को बाईपास करने वाले हैं। बाईपास कैसे करेंगे, इस बाइक का जो CDI है इस बाइक का CDI को हम लोग यानी कि चेंज करेंगे और सुपर स्प्लेंडर बाइक का CDI कॉइल लगाएंगे। तो इस वीडियो में आप लोगों को काफ़ी सारे चीज़ देखने को मिलेगा कि दूसरे बाइक का CDI कैसे इंस्टॉल करें। उसमें हम लोग को ज़रूरत होता है वोल्ट ग्राउंड और पिकअप कॉइल और एक आउटपुट वायर। तो ये सब वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे और एक्चुअली अभी दिखाएंगे स्टार्ट हो रहा है कि नहीं वो भी दिखाएंगे और बाद में स्टार्ट करके दिखाऊंगा वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए ये हम लोग का बाइक है, अभी इग्निशन ऑन किया और यहाँ जो है जैसे कि की लिखा उठा है और इस बाइक का जो CDI यूनिट है यही वाला है। और आपको दिखाता हूँ बाइक में हम लोग का करंट आ रहा है कि नहीं और बाइक स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। पहले आप लोगों को करंट दिखा देता हूँ। तो फिर चले सेल्फ का उपयोग करेंगे, नहीं आ रहा है यानी कि इग्निशन करंट जो है वो नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, इसमें हम लोग को दिया गया है इग्निशन स्विच पर देखिएगा इस एक कपलर और इग्निशन स्विच पर हम लोग को दिया गया है एक सेंसर। जब भी इसी बाइक का हम लोग चाबी इंस्टॉल करेंगे तो यानी कि तभी काम करेगा। और कस्टमर का कहना है कि ये चाबी ऑटोमेटिक जैसे कि चलते चलते गिर गया था तो उन्होंने दूसरा चाबी लगाया है बनाया है। देखिए बनाने के बाद ही ये काम नहीं कर रहा है, देखिए ये सब काम कर रहा है लेकिन गाड़ी में चाबी का चिन्ह जो है वो हम लोग को बता रहा है। तो चाबी में भी हम लोग को मैग्नेट दिया जाता है, इसी दौरान हम लोग का बाइक का जो इग्निशन लाइन है लॉक करता है। अब सवाल है अभी हम लोग यही लॉक किट रहेगा यही सब कुछ रहेगा बट हम लोग को थोड़ा दिमाग लगाना है और काम बन जाएगा, कैसे मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए CDI यूनिट पर जो हम लोग का कपलर है दो कपलर है। अब हम लोग इग्निशन लाइन की ज़रूरत है चार वायर, एक कपलर में जो चार वायर होता है वही काम बन जाएगा लेकिन यहाँ जो वायर का सिस्टम दिया गया है अलग दिया गया है। मैं आपको बताता हूँ यहाँ वोल्टेज है सेल्फ के लिए अलग है और यहाँ ग्राउंड है आउटपुट है पिकअप कॉइल है। तो हम लोग लाइन किस तरह से बाहर करें मैं आपको बताता हूँ। सुपर स्प्लेंडर बाइक का CDI कॉइल है इसे हम लोग इंस्टॉल करेंगे क्योंकि काफ़ी सारे बाइक में हम लोग इंस्टॉल करके देखते हैं अगर कुछ दिक्कत होता है। तो ये CDI कॉइल हम लोग लगाएंगे फिर कस्टमर को बाद में बोलेंगे। एक्चुअली जो CDI कॉइल हम लोग जो फिटिंग करेंगे एक्चुअली हम लोग का सेटिंग हो रहा है कि नहीं फिर बाद में खरीद लाएंगे और मैचिंग नहीं हो रहा है, मैचिंग का भी फिर ज़रूरत होता है। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन सा वायर में क्या देना है। ये है हम लोग का CDI। अब CDI में हम लोग क्या क्या डाले, इसमें चार कनेक्शन दिया गया है। ये वाला जो कनेक्शन है गाइस इसमें हम लोग का 12 वोल्ट देना है, ठीक है 12 वोल्ट इसमें देना है। अब सवाल है ये जो कपलर है ये जो कनेक्ट है इसमें हम लोग का ग्राउंड देना है। उसके बाद यहाँ जो आप लोग देख रहा है इसमें हम लोगों को जैसे देना है पिकअप कॉइल का रीडिंग आएगा इसमें। तो पिकअप कॉइल का सेंसर का वायर है इसमें लगाना है और ये वायर है डायरेक्ट आउटपुट, ये डायरेक्ट चल जाएगा बाटली कॉइल पर। यहाँ दिखाओ बाटली कॉइल में जाएगा। तो चलो ये कपलर हम लोग आप लोगों को दिखाते हैं एक्चुअली फिटिंग करके यानी कि वोल्टेज डालेंगे। सब कनेक्शन कर लेता हूँ उसके बाद आप लोगों को मिलता हूँ। मैंने कनेक्शन दे दिया है देखिए एक जैसे कि आउटपुट एक बॉडी अर्थिंग और एक वोल्टेज ये वाला वायर और एक पिकअप कॉइल। तो यानी कि चार वायर हमने अटैच कर दिया है और ये CDI का कपलर जो है अभी खुला है। तो चलो आप लोगों को दिखाता हूँ एक्चुअली हम लोग का इग्निशन लाइन बन रहा है कि नहीं। चलो इग्निशन ऑन करते हैं और अच्छी तरह से दिखा। तो फ्रेंड्स एक्चुअली इग्निशन लाइन बन चुकी है। चलो बाइक को स्टार्ट करेंगे प्लग का कैप देगा इस, लेकिन यहाँ देखिए
इग्निशन जो स्विच है की है लिप लिप कर रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ लाइए, यहाँ दिखाइए, इस कपलर को हम लोग ओपन कर लेंगे, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, बस। अब देखिए एकदम बाइक के जो पिकअप है मस्त आया है। इंस्टॉल कर दिया है और ये वाला कपलर हमने खोला रखा है, दोनों ही कपलर खोला है गाइस। देखिए सिर्फ हमने कनेक्शन चार वायर का यूज किया। डिटेल्स के साथ आप लोगों को शेयर करूंगा। तो चलो आप लोगों को एकदम स्टार्ट तो कर दिया है, अब टैंकी लगा के बाइक को एकदम स्मूथली स्टार्ट करके दिखाता हूँ, क्योंकि कार्बोरेटर के अंदर फ्यूल ख़त्म हो गया। टैंकी लगाओ, बाइक को स्टार्ट करेंगे। बाइक में कोई भी मिसिंग नहीं है और कोई भी हम लोग का प्रॉब्लम नहीं है, बाइक हम लोग का स्टार्ट है। देखिए तो चलिए बंद करता हूँ और आप लोग को डिटेल्स देता हूँ। तो आप लोगों को दिखाया जो कनेक्शन हम लोग कैसे करें। तो हम लोग जो मैकेनिक भाई है, हम लोगों को काफ़ी सारे चीज़ सोचना पड़ता है, तब जाके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये बाइक अगर हम लोग ये सब ना करते तो अभी शोरूम के पास जाता, हमारे क्षेत्र से लगभग 30-40 किलोमीटर दूर है डीलर के पास। वहाँ जाने के बाद CDI कोयल चेंज करता, इग्निशन स्विच चेंज करता, उस पर कोड इंस्टॉल करना पड़ता है, तब जाके ये चलता है। बाइक तो बहुत पुराना हो चुकी है, ये बाइक 15,000 में भी कोई खरीदेगा नहीं, तो इतना रुपया अगर खर्चा करेगा तो कस्टमर कैसे चलाएगा। तो ये सब कंपनी भी करके पछता रहा है, ये सब कोड वोट के चक्कर में, क्योंकि अभी जितना भी बाइक आ रहा है BS6 सब इसमें कोड नहीं रहता है, तो अभी कोड का झंझट ख़त्म हो चुकी है। तो फ्रेंड्स ये सब जो काम है हम लोग मैकेनिक को आगे बढ़ने के लिए जुड़ा रहना पड़ता है। जैसे कि आप लोगों को वीडियो को मैं शेयर किया, तो अगर आप मेरा वीडियो आप लोग देखते हो तो आप लोगों को पता चल जाता है जो गुरुजी क्या बता रहा है, कैसे किया बाईपास और ये गाड़ी रनिंग भी हो गया है। तो मेरे पास काम करने में जैसे कि आधा घंटा भी नहीं लगा और ये बाइक रेडी हो गया। तो हम लोग दूसरे बाइक का इंस्टॉल भी कर सकते हैं CDI कोयल को। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम वीडियो समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतजार कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू।